हाँ बहू, पोता कैसा है? हाँ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में बात। बहू का फोन आया। क्या बोल रहे थे? वही पुरानी बातें। आकाश, शाम के वक्त बंधन के कहाँ जा रहे? किसी से मीटिंग है, उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी है। अरे पिताजी आप देखिए ना। मुझे नहीं देखना। पिछले दो बार तूने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और मेरे लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। अब और पैसों से खिलवाड़ करना चाहता है? खिलवाड़ करने के लिए पैसे है कहाँ? बैंक में जो पड़े। बैंक में? कौन से बैंक में? मती मारी गई है इसकी। मुझे सब पता है। पता होता ना तो तू उन पैसों की बात ही नहीं करता। क्यों, क्यों ना बात करूं? बरखुदा, खुद तो कमाते नहीं हो। बैंक का एफडी से जो ब्याज आता है उससे घर चलता है। अगर वो भी चला गया ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे लाले। अरे पिताजी इस बार ऐसा नहीं होगा। आई स्वेयर, मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सोच समझकर बनाया है। फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पापा आप देखना, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे और ये प्रोजेक्ट मैंने माँ के नाम रखा है। कोई जरूरत नहीं है, तू खुद पैसे कमा और जो करना है वो कर। तुम्हारे इन्हीं धंधों से तंग होकर मेरी बहू मेरे पोते को लेकर बाई के चली गई। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी पिताजी, तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी अब पूजा नहीं है तो इतने बड़े बंगले का हम करेंगे क्या? क्यों ना इसे बेचकर एक 2 BHK फ्लैट ले लेते और बाकी बचा पैसा। बस बस, ये घर मैंने अपने पोते के नाम कर दिया है। बेटा, जो दुकान बंद पड़ी है उसे चालू कर दी, अच्छी कमाई हो जाती थी। मैंने ये सब उसी दुकान से कमाया है। ये सब कुछ बहू भी पढ़ी लिखी है बेटा, वो इस काम में मदद करेगी तेरी। देखिए, इस घटिया दुकानदारी में मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करने वाला। करोड़ों में खेलूंगा मैं, करोड़ों में, समझे? आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। सावित्री, हम दोनों को मार देगा और खुद आत्महत्या करेगा। आकाश, तुम? अरे यार काफी सालों बाद। अबे प्रकाश। अरे बैठ। अरे कैसा है तू? मस्त। करता क्या है? इंजीनियरिंग के बाद नौकरी। नौकरी? तनख्वाह क्या है? छोड़ यार, पिएगा? चलेगी। रिपीट करो। यस। इतने साल हो गए, तुझे मेरी याद तक नहीं आई, और कहाँ था तू? अरे कुछ नहीं यार, नौकरी के चक्कर में घूम रहा था। अच्छा, तूने मुझे अपनी सैलरी नहीं बताई। 1.5 लाख रुपए महीना मिल जाती है। तू बता, तेरी दुकान तो पहले से बहुत बड़ी हो गई होगी यार। अरे वो तो 1.5 साल से बंद है यार। पिताजी बैठते थे, अब बंद कर दी। अपना तो बिजनेस और कारोबार इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है, क्या बताऊं। करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का, बहुत पैसा है। अरे वाह, ये तो कुछ भी नहीं, किसी को बताना नहीं। मेरी बीवी ना हीरे और जवाहरात में ढूंढ रही है। अच्छा, तेरा बंगला था यहाँ पास में ही, नीले रंग का? नीला नहीं, अब पीला हुआ है। और सुन, कल ही मेरी बीवी फॉरेन टूर पे गई है। फॉरेन कहाँ? अरे वो तो क्या कहते हैं यार, वो और यूरोप। सर सर, अपने फिर मंगाई। तू भी कमाल करता है यार, अब तो तेरी चल पड़ी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अब तो तू देखता जा धीरे धीरे कहां से कहां पहुंचेगा तेरा भाई।
अरे मैं देता हूँ ना, रुकना। अरे रुकना किधर गया था? अरे रुक। अरे यार तू भी कमाल करता है, देता है ना। चल नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से, ठीक है? संभाल अपने दोस्त, भाई संभाल अपने। कौड़ी नहीं है और बाद में बड़ी बड़ी बातें आक रहा था, मेरा टाइम वेस्ट किया राम साले। सावित्री, ये चोरी से क्या बातें कर रहा था, सुना तुमने? आपने कहा था ना, ये हम सबको बर्बाद करके खुदकुशी कर लेगा। नहीं माँ, ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे। झूठ मत बोल। मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। हम दोनों को मारना चाहता है बेटा। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? चोर ने जाते समय क्या बातें की, जरा हम भी सुने। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ पिताजी। माँ मुझे माफ कर दो पिताजी। आज से आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा, आपकी कसम। मैं दुकान पे जाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा और पूजा और बेटे को भी घर ले आऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ। को ले आएगा ये जी। मैं आपकी हमेशा देखभाल करूंगा माँ। पिताजी मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया। माफ कर दो।